दोस्तों आपका चैनल में एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेवल टू के बिल्कुल अलग किस्म के वाक्य लाया हूँ। इस प्रकार के वाक्य हम हिंदी में रोज़ बोलते हैं, परंतु इनकी इंग्लिश बनाना इतना आसान नहीं है, लेकिन मैंने इन वाक्यों की सरल इंग्लिश बनाई है। आइए सीखते हैं कैसे कठिन वाक्यों की सरल इंग्लिश बनाई जाए। इनकी आप रोज़ प्रैक्टिस करें और बार बार वीडियो देख कर इन सेंटेंसेस पर अपना हमेशा के लिए अधिकार कर लें। आज का पहला वाक्य है, आपका क्या है, आपके लिए ये आम बात है। What to say about you? It's a routine matter for you। या इसको हम common thing for you भी कह सकते हैं। ये वाक हम दूसरों की खराब आदत पर चुटकी लेने के लिए कहते हैं। अगला वाक, तुम्हारा कौन है रोने वाला, Who is there to weep over your death? ये वाक हम तब कहते हैं जब दूसरा व्यक्ति असहाय होता है और उसकी मदद करने वाला कोई नहीं होता। ध्यान दें कि इंग्लिश में डेथ का प्रयोग हुआ है, जबकि हिंदी वाक्य के भाव में ये छुपा हुआ है। अगला वाक, बाहर गए नहीं कि बवाल हुआ नहीं, योर प्रेजेंस आउटसाइड इज सफिशिएंट टू स्टार्ट ए रकस। योर प्रेजेंस आउटसाइड इज सफिशिएंट टू स्टार्ट ए रकस। कुछ लोग घर से बाहर जाते ही कुछ ना कुछ बखेड़ा खड़ा कर देते हैं, ये वाक उनके लिए बोला जाता है। रकस का अर्थ होता है बवाल या बखेड़ा, जिसको इंग्लिश में हम ए नॉइजी कमोशन या ए हीटेड कंट्रोवर्सी भी कहते हैं। अगला वाक, घर में घुसे नहीं कि नुकसान हुआ नहीं, योर एंट्रेंस टू द होम कन्फर्म्स द लॉस। योर एंट्रेंस टू द होम कन्फर्म्स द लॉस। कुछ लोग घर में आते ही हमेशा नुकसान या परेशानी खड़ी कर देते हैं, ये वाक उनके लिए है। अगला वाक, आपका आना खुशियाँ लाना है, योर अराइवल ensures happiness। Your arrival ensures happiness। Ensure का अर्थ निश्चित करना होता है। अगला वाक, तुमसे काम कराना परेशानी बुलाना है, assigning work to you is inviting trouble। Assigning work to you is inviting trouble। कुछ लोगों को हमें काम देते हुए डर लगता है, तब हम इस वाक का प्रयोग करते हैं। Assign work का अर्थ होता है काम देना। नेक्स्ट, आपका बुलाना और हमारा ना आना, ऐसे तो हालात नहीं। सर्कमस्टेंसेज आर नॉट सच एज आई विल नॉट कम इफ़ यू इनवाइट मी। सर्कमस्टेंसेज आर नॉट सच एज आई विल नॉट कम इफ़ यू इनवाइट मी। ये वाक एक शायराना अंदाज में कहा जाता है। हालात की अंग्रेजी यहाँ सर्कमस्टेंसेज होगी। अगला वाक, तुम्हारा प्यार तुम्हारा पैसा तुमको मुबारक हो, योर लव एंड योर मनी मे बी विद यू ओनली। Your love and your money may be with you only। ये वाक रोमांटिक रिलेशन में खटपट होने पर कहा जा सकता है। अगला वाक, माँ भी बच्चे को बिना रोए दूध नहीं पिलाती है, इवन द मदर डज नॉट फीड द बेबी इफ शी डज नॉट क्राई। इवन द मदर डज नॉट फीड द बेबी इफ शी डज नॉट क्राई। ये वाक का अर्थ ये है कि हमें अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी है। बेबी के लिए आमतौर पर शी का प्रयोग किया जाता है, वैसे ही और इट का प्रयोग भी किया जाता है। अगला वाक, कोई ना कोई अवसर हमेशा आपके दरवाजे पर दस्तक देता है, देर इज़ ऑलवेज सम अपॉर्चुनिटी नॉकिंग ऑन योर डोर। देर इज़ ऑलवेज सम अपॉर्चुनिटी नॉकिंग ऑन योर डोर। दस्तक की अंग्रेजी नॉकिंग है, अपॉर्चुनिटी का अर्थ अवसर होता है। अगला वाक, हर को दस्तक सुनने के लिए सतर्क होना चाहिए, वन शुड बी विजिलेंट एनफ टू हियर इट्स नॉकिंग। वन शुड बी विजिलेंट एनफ टू हियर इट्स नॉकिंग। ये ऊपर के वाक की अगली सीढ़ी है, यानी हमें अवसर पाने के लिए सतर्क होना चाहिए। विजिलेंट का अर्थ सतर्क होता है। अगला वाक, आप आएँ या और कोई आए, मेरा निर्णय नहीं बदलेगा। वेदर यू कम और समबडी एल्स मे कम, माई डिसीजन विल रिमेन अनचेंज्ड। वेदर यू कम और समबडी एल्स मे कम, माई डिसीजन विल रिमेन अनचेंज्ड। जब व्यक्ति अपने निर्णय पर अडिग रहता है, तब वह इस सेंटेंस का प्रयोग करता है। अगला वाक, कठिन रास्ते और मुश्किल फासले, डिफ़िकल्ट पाथ्स एंड ह्यूज गैप्स। डिफ़िकल्ट पाथ्स एंड ह्यूज गैप्स। जब परिस्थितियां बहुत कठिन हो, तब व्यक्ति इस प्रकार का वाक्य बोलता है। अगला वाक, थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है, आई हैव ए लिटिल स्टिल नीड ए लिटिल मोर। आई हैव ए लिटिल स्टिल नीड अ लिटिल मोर। ये खट्टा मीठा फिल्म के गाने की लाइन है, किशोर कुमार की मधुर आवाज़ में। नेक्स्ट, मेरा प्यार और मेरा विश्वास सदा आपके साथ है,
My love and my trust are always with you. My love and my trust are always with you. ये वाक दूसरों को भरोसा दिलाने के लिए बोला जाता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वाक आपको पसंद आए होंगे। कृपया अपने सुझाव और अपनी राय ज़रूर दें। कृपया प्लेलिस्ट में जाकर आप अपनी ज़रूरत से जुड़ी सामग्री देख सकते हैं, जिसमें सभी के लिए कुछ ना कुछ है। अगली मुलाकात तक नमस्कार दोस्तों।